आने वाला वर्ष चुनावी वर्ष होगा। ये जाते हुए वर्ष में जो कुछ हुआ है वो हमने और आपने देखा है। आने वाले 2019 में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा स्तर पर समाजवादी विकास विजन और सामाजिक न्याय कार्यक्रम होंगे। समाजवादी विकास विजन सामाजिक न्याय कार्यक्रम हर विधानसभा स्तर पर समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता उसमें शामिल होंगे। सभी वरिष्ठ नेताओं और सभी कार्यकर्ता मिलकर के कार्यक्रम करेंगे विधानसभा स्तर पे, जो 7 जनवरी से शुरू होकर के 20 जनवरी तक लगातार कार्यक्रम विधानसभा स्तर पर चलते रहेंगे। इसके साथ साथ अभी तक जो साइकिल यात्राएं थी, कई बार ग्राम स्तर पर जनसंपर्क न कर करके एक शहर से दूसरे शहर या एक कस्बे से दूसरे कस्बे निकले थे। इलाहाबाद से कुछ यात्राएं निकली साइकिल लेकर के लखनऊ तक आए, कुछ प्रतापगढ़ के हिस्से से होकर के आए थे, कुछ फतेहपुर और बुंदेलखंड के हिस्से को जोड़ते हुए आए थे। कई साइकिल यात्राएं या कई लोग मिलकर के जगह जगह चलाए हैं, कुछ आजमगढ़ जौनपुर गोरखपुर आसपास उधर ही साइकिल चली है समाजवादी पार्टी की। एक समय बड़े पैमाने पर नौजवानों ने गाजीपुर से यात्रा शुरू कर करके और दिल्ली में समापन हुआ था, बड़ी यात्रा थी। इसी तरह कुछ नौजवानों ने यात्रा बनारस से शुरू कर करके मिर्जापुर सोनभद्र पहुंच करके वापस लखनऊ आए थे। समय समय पर बहुत साइकिल यात्राएं चली हैं। अभी भी बड़ी संख्या में नौजवान साइकिल यात्रा करना चाहते हैं, साइकिल के माध्यम से जनसंपर्क करना चाहते हैं, इसलिए तय ये किया है समाजवादी पार्टी ने। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता साइकिल के माध्यम से गांव-गांव जाकर के जनसंपर्क करेंगे। अभी तक तो एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांव में जाकर के संपर्क करेंगे। समाजवादी नीतियां, समाजवादी कार्यक्रम, समाजवादी विजन, समाजवादी विकास और जो सामाजिक न्याय का कार्यक्रम है उसको गांव तक बैठ करके बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी किसान हित में बहुत सारी बातें रखती है। कई बार मंचों से सदनों में ये कहा गया है कि किसान खुशहाल हो जाएगा उनके कार्यक्रम उनके फैसलों से, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो उनके कार्यक्रम हैं, जो नीतियां बनी हैं और जो नेशनल स्किल पॉलिसी के तहत, कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि बड़े संख्या में किसान जो छोटे किसान हैं वो मजदूरी के लिए बेवसी में जा रहे हैं, मजदूरी पर निर्भर होते जा रहे हैं, बड़े पैमाने पर खेती उनसे छूटी जा रही है। और इधर भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों के कारण लगभग 50 लाख किसानों ने खेती जो छोड़ करके मजदूरी करने के लिए बेबस हुए हैं। और अब तो किसानों के आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं, हमारे किसान भाई ये जानते भी नहीं होंगे कि कितने किसानों की आत्महत्या हो गई है या किसने किसानों ने जान दे दी। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की पिछले केंद्र की सरकार के चलते हुए लगभग 60,000 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और आपको याद होगा जिस समय 2014 में सरकार बनी थी, अगर किसी चीज को बदलने की कोशिश की थी कि किस तरीके से भूमि अधिग्रहण नियम को इसलिए बदलना चाहते थे, भाजपा पार्टी बड़े उद्योगपतियों को जमीन दे सके, लेकिन उस साजिश में काम दोबारा ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वापस आ गए। तो हो सकता है कि ऐसा नियम लाएं जिससे हम
देवपतियों को दे दें। वही कहा कि किसान की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन अभी तक किसान के सामने जो संकट पैदा हुआ है, किसी भी किसान की आय दोगुनी नहीं होती नजर आ रही है। पिछड़े एवं दलित वर्ग के प्रति जो भाजपा का नजरिया था, जो उनकी मंचों से भरोसा दिलाने की बात थी, समय समय पर भाषणों में आपने सुना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितना उनकी शुभचिंतक है, कितना उनके लिए करना चाहते हैं, लेकिन इसने 5 साल का कार्यकाल लगभग पूरा होने जा रहा है, कितना बड़ा धोखा उन्हें मिला है ये आज लोगों के नजर आ गए है। इसीलिए मंचों पे वो लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं जिनके सहयोग से कभी सरकार बनी थी। इतनी झूठी और धोखेबाज सरकार कभी नहीं भारत में आई होगी या उत्तर प्रदेश में, जितनी बड़ी धोखेबाज झूठी सरकार आज चल रही है। आपको याद होगा कि बहुत तैयारी के साथ लखनऊ समिट की गई थी और भारतीय जनता पार्टी ने अपने कुछ मित्रों को बुला करके ये दिखाया कि कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होने जा रहा है। आज इस इन्वेस्टमेंट अगर हम जानना चाहें तो किसी भी क्षेत्र में कोई इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है, धोखा दिया। इन्वेस्टमेंट तो दूर, इन्वेस्टमेंट के सहारे बाहर से कितना सामान लाया जा सके उसका रास्ता साफ करवाया। और आज लगभग भारत में और उत्तर प्रदेश में भी स्वाभाविक आता होगा 4 लाख करोड़ भारत में बिक रहा है। तो जहां एक तरफ समिट इस बात की हो रही थी कि उद्योग कारखाने लगेंगे, लेकिन जिस तरीके से पीछे के रास्ते से जो बाहर का सामान मंगाने का सिलसिला जारी हुआ है, उससे उद्योग तो लगे नहीं लेकिन लाखों लोग बेरोजगार हो गए और ना ही कोई कारखाना लग पाया। बेरोजगारी का तो हालत आपके सामने है कि अभी तक सरकार ने जो वादे किए थे, याद होगा आपको, कहा कि लाखों पुलिस में भर्ती कर ली जाएंगी, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, भर्ती का कोई नजर नहीं आ रहा कि कहीं भर्ती हो पाई होगी। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग एक समय पर एफडीआई की बहुत खिलाफत करते थे और एफडीआई के आने से क्या क्या नुकसान होने जा रहा है वो लोगों को बताते थे, लेकिन एफडीआई को जिस तरीके से बाजार में आने दिया, उससे हमारे न जाने कितने करोड़ों दुकानदार और आंकड़े अगर ठीक हैं तो एफडीआई के आने से और जीएसटी के 7 करोड़ दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं। जीएसटी लाने से यह कहा गया कि हमारा उद्योग और कारखाने बढ़ेंगे, अच्छे होंगे, कारोबार अच्छा हो जाएगा, लेकिन समय समय पर जिस तरीके से जीएसटी में संशोधन हो रहे हैं, उससे यही महसूस होता है कि किसी तैयारी के साथ जीएसटी नहीं लागू की थी। और जीएसटी लागू इसलिए की गई जिससे कि उनके कुछ उद्योगपति, कुछ कारखाने वाले लोगों को ज्यादा लाभ पहुंच जाए। लागू हुई है कुछ चीजों का, देखें समय आएगा कि जीएसटी और कम करनी पड़ेगी, चुनाव आएगा तो और कम कर देंगे। जो बड़े बड़े हीरे कारोबार कर रहे हैं, हीरे जवाहरात के काम करने वालों पर 0.25 जीएसटी, और हमारा किसान जो ट्रैक्टर खरीदता है, जो कारोबार करता है, उस पर 28% जीएसटी। तो हीरे जवाहरात पर तो 0.25% जीएसटी, और ट्रैक्टर हमारा किसान गरीब जो संपन्न होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, उस पर 28% जीएसटी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जीएसटी किसके लिए लागू की गई है। वहीं पिछले कुछ वर्षों से उत्तर प्रदेश सरकार ने जो लॉ एंड ऑर्डर पे काम किया है, बहुत ही
ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। लॉ एंड ऑर्डर इतना बर्बाद कभी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ होगा जितना इस समय भारतीय जनता पार्टी की। हाल ही की घटना का अगर जिक्र करें जो गाजीपुर में हुई है, अगर प्रशासन चाहता, और स्वाभाविक है कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम रहा होगा, तो सभी इंटेलिजेंस एजेंसी की जानकारी में रहा होगा कि कौन सा प्रदर्शन, कौन सा धरना कहां हो रहा है, कहां लोग इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन सरकार के वजह से, प्रशासन की वजह से इतना बड़ा घटना घटी है। और घटना इसलिए घटी है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की भाषा सोचिए, वो सदन में हो, मंच पर हो, उनकी एक ही भाषा है और भाषा ये है कि ठोक दो। तो कभी पुलिस को नहीं समझ में आता है कि उन्हें किसे ठोकना है, और कभी जनता को नहीं समझ में आता कि किसे ठोकना है। और अभी हमें जानकारी हुई है कि कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए नियम हो या यम हो, उसका सहारा लीजिए। नियम तो हमें समझ में आते हैं कि अगर बंदिशें हो, लेकिन नियम से कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी। और सच्चाई तो यह है कि जिस अधिकारी को यह पता लग जाता है कि हो सकता है उसका ट्रांसफर हो जाए, वो उसी समय अधिकारी इनकाउंटर कर देता है और इनकाउंटर कर करके अपनी पोस्टिंग दोबारा वहीं की वहीं करा लेता है। तो सोचिए, पोस्टिंग के लिए इनकाउंटर और कितने सवाल खड़े हुए हैं, चाहे वो नौजवान राजभर जो आजमगढ़ का था, चाहे वो यादव जो नोएडा का था, तमाम मुस्लिम नौजवान। और चिन्हित कर करके ये पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पुलिस तय करती है, चिन्हित करती है, और जब बड़े अधिकारी इस बात को पोस्टिंग का सहारा लेते हो इनकाउंटर के सहारे, तो फिर इसी तरीके से छोटे अधिकारियों को भी मौका मिल जाता है कि अगर हम इसे थाने में रहेंगे और हम ये कारनामा करके दिखा देंगे तो हमें भी यही थाना बना रहेगा, हमें थाना मिल रहेगा। तो जो लोग ठोको नीति से शुरू किए थे और अब उनसे क्या उम्मीद करेंगे, और इतनी नफरत समाज में कभी नहीं फैली होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समाज में नफरत फैलने का काम हुआ है। और नफरती के कारण ये घटनाएं हो रही हैं। वो जो घटनाएं हुई हैं, जो किसी जिले को उठा करके देख लें, आप घटनाएं बता सकते हैं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का व्यवहार है उस। लॉ एंड ऑर्डर में चाहे हम अपनी बेटियां या महिलाओं के प्रति देखें, इधर उत्तर प्रदेश की सरकार के आंकड़े से ही किताब लगाएं तो दुगने आंकड़े हो गए हैं, दुगने अब घटनाएं हो रही हैं इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। अपहरण के मामले भी दुगने हैं, बलात्कार और बेटियों के साथ जो छेड़खानी, उसकी भी घटनाओं में बढ़ोतरी बड़े पैमाने पर हुई है। अब जो वादे किए हैं, वादा ये कि एक वर्ष के भीतर पुलिस में रिक्त पड़े पद सभी के सभी भर दिए जाएंगे, अभी तक वादा पूरा नहीं हुआ, अधूरा पड़ा है, कुछ काम नहीं हुआ दो साल में। गैंगस्टर की आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रदेश की जेलों में आधुनिक कर दिया जाएगा, कोई काम नहीं हुआ अभी तक। प्रदेश के प्रत्येक जिले में 3 महिला पुलिस थाने बन जाएंगे, बोलने में तो अच्छा लगता है लेकिन जमीन पर उतारने में अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सभी लघु और सीमांत किसानों का ऋण माफी हो जाएगा, किसानों को नोटिसें मिल रही हैं, गन्ना किसानों का 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, किसानों को पर्चियां नहीं मिल रही, जो पर्चियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जेब में हैं पर्चियां।
20,000 करोड़ का किसान सिंचाई फंड बनाया जाएगा। वो फंड ही नहीं पता है कि कहां पर क्रिएट हो रहा है। वो 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। कौन सी आय, कैसे आय? धान नहीं खरीदा गया, ना आलू खरीदा गया, कोई भी फसल किसान को उसकी आय नहीं मिल पाई अभी तक, उसको दाम नहीं मिल पाया है। नीलगाय तथा आवारा जानवरों को, खेतों को सुरक्षित कर लिया जाएगा। अब तो स्कूल सुरक्षित नहीं है, पीएससी सुरक्षित नहीं है, घर जगना पड़ रहा है अपने खेतों को सुरक्षा देने के लिए। ये हालत पैदा की लोगों ने, आलू प्याज और लहसुन का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये बता दें कि आलू, अगर एक आलू भी खरीदा हो तो बता दें, और लहसुन और प्याज का न्यूनतम समर्थन मूल्य कहां, और न जाने कितने और वादे किए थे मैं जो याद दिला दूं। संकल्प पत्र का याद दिलाना चाहता हूं क्योंकि 2 साल पूरे हो गए हैं अभी, लगभग 2 साल। 5 साल में 70 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। प्रदेश में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को निशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3 महीने के भीतर शिक्षा मित्रों को रोजगार की समस्या का समाधान हो जाएगा। इनके 3 महीने बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे 3 महीने हैं इनके। 1,000 से ज्यादा शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं इनके भरोसे पर, इनके वादों की वजह से उन्हें धोखा मिला है। परीक्षाओं के पेपर के कितने लीक होते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जानते हैं, और जो अन्य भर्तियां भी चल रही थीं उसमें इतना घोटाला किया कि वो जांच के दायरे में चलेंगी सभी। प्रदेश में कॉलेज में दाखिला लेने वाले सभी छात्रों को मुफ्त लैपटॉप मिलेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते, इसलिए उन्होंने तय कर लिया कि किसी भी नौजवान को, छात्र को लैपटॉप नहीं दिया जाएगा। वो एक जीबी डेटा देने का भी बात थी। प्रदेश में 10 विश्व स्तरीय विश्वविद्यालयों को बनाया जाएगा। कम से कम 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, कहीं शुरुआत हो गई होती तो बहुत अच्छा था। प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक की स्थापना होगी। समाजवादी सरकार में जो पॉलिटेक्निक बने थे उन्हीं का शिलान्यास कर दिया, उद्घाटन का उद्घाटन कर दिया, और अभी भी पूरे जिलों में कहीं पूरा नहीं हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय महाविद्यालय की स्थापना होगी, अब शायद हो जाएगी क्योंकि याद दिला दिया हम समाजवादियों ने। प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में एक शिक्षक एक कक्षा का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। वो आप बेहतर समझते होंगे कि कहां पर इस तरह का अनुपात सरकार पूरा कर पाई है। अभी तक उत्तर प्रदेश में एक यूनिट बनाने का फैसला ये सरकार नहीं ले पाई है। बिजली की एक यूनिट बनाने का फैसला नहीं ले पाई है सरकार। प्रदेश के हर घर में 24 घंटे बिजली उपलब्ध होगी। ये वही समाजवादियों के बनाए हुए कारखाने हैं जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के गांव और घरों में बिजली उपलब्ध हो पा रही है। मिनी बस के माध्यम से सभी गांवों को शहरों से जोड़ना होगा, जोड़ दिया जाएगा, मिनी बस कहीं है नहीं। प्रत्येक 4 ग्राम पंचायतों पर एक चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना की जाएगी। चंद्रशेखर आजाद, लेकिन कहीं भी स्थापना नहीं हो पाई है। नेशनलाइज्ड बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स की मदद से कई हजार गांवों में बैंक उपलब्ध हो जाएंगी, क्योंकि इन्हें कंपटीशन करना था। समाजवादी सरकार में 3,000 से ज्यादा ब्रांचेस खुल गई थी उत्तर प्रदेश में। लगभग 6,000 ब्रांचेस खुल जाती हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 6,000 का मुकाबला करना था। इसलिए इन्होंने कहा कि हम 25,000 गांव में बैंक की ब्रांचेस खोल देंगे।
कानपुर, इलाहाबाद, आगरा, गोरखपुर और झांसी में मेट्रो सेवा शुरू करेंगे। भूल जाइए और जगह जहां पर मेट्रो की सेवा शुरू करना चाहते हैं आप, कम से कम गोरखपुर में कब शुरू करेंगे उसकी तारीख बता दें, और दूसरा झांसी में कब शुरू हो जाएगी उसकी तारीख बता दें। प्रदेश में 6 एम्स की स्थापना की जाएगी। समाजवादियों का सौभाग्य है कि जो एम्स आज उत्तर प्रदेश में है, उन दोनों एम्स को जमीन उपलब्ध कराने का काम समाजवादी सरकार में ही हुआ है। एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए 500 करोड़ उपलब्ध किए जाएंगे। इन्वेस्टर्स समिट की विफलताएं मैं नहीं बताना चाहता हूं, वो आपके सामने है, बन जाएगा। कुछ दिन पहले तस्वीर आई थी, तस्वीर नहीं थी, मुख्यमंत्री ने अपनी तस्वीर डाल दी। पूर्वांचल एक्सप्रेस हमने भी देखा है, उसी जिले से जहां से गुजरना है उसको, पूरा का पूरा समाजवादी सरकार का अलाइनमेंट है, समाजवादी सरकार के समय का है। मुख्यमंत्री जी एक चीज भूल जाते हैं, और वो भूलते नहीं है कि जाने कौन सा आरोप लगाते हैं कि इतने पैसे का था, इतने का हम बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पूरे के पूरे स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल चीजें नहीं बताते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है वो चीजें। सिविल स्ट्रक्चर्स किस हिसाब से बने हैं, सर्विस लेन्स बनी है कि नहीं बनी है, वे साइड एमिनिटीज हैं कि नहीं है, उस पर एक्सप्रेस वे लाइट है कि नहीं है, मंडियां हैं कि नहीं है, कोई बात नहीं कहते हैं। बस ये कहते हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो पुरानी सरकार बना रही थी वो महंगा था, हम सस्ता बना रहे हैं, बस एक है उनके पास, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं जानते वो। केवल घास हटी है बस अभी तक इतने वर्षों में, जो सड़क है केवल घास हटा पाए हैं, थोड़ी बहुत मेड़ तोड़ पाए हैं, एक भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सिविल स्ट्रक्चर बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, लखनऊ से लेकर के वहां तक। और सरकार की नाकामी देखिए आप, लखनऊ की एक रिंग रोड बन रही थी, जाने कौन सा सरकार ने जादू चलाया, शायद वो कार्यालय में जो जादू चल रहा था, जो सचिव लोग जादू चला रहे थे, उसी तरह का कुछ काम हुआ कि इनर रिंग रोड बनाने वाले पता नहीं बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं कि लखनऊ छोड़ करके चले गए। और जो लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार पर रोकने की दावा कर रहे थे, उनके कार्यालय में क्या हिसाब किताब हो रहा था, हिसाब किताब हो रहा था, यही हिसाब किताब छुपे हुए कैमरे से अगर और के औरों की ऑफिसों में देखा जाए तो न जाने कितने लोग ऐसे बेनकाब हो जाएंगे जो अपने कार्यालय में केवल हिसाब करते हैं। ये सरकार भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है, ये सरकार आरएसएस को लोग चला रहे हैं, और इनके लोगों ने दो दो शपथ ली हुई है, एक तो आरएसएस की शपथ और दूसरी संविधान की शपथ। आरएसएस की शपथ और संविधान की शपथ एक दूसरे के विपरीत हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश की हालत पैदा कर दी है। इसे नए वर्ष आते आते तैयार है देश को नई सरकार देने के लिए, देश में नया प्रधानमंत्री बने उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता तैयार है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ साथ हम अपने छात्र संघ जो अयोध्या से जीते हैं, नौजवान अयोध्या फैजाबाद से, मैं आभास किशन यादव कान्हा उसको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और फैजाबाद के हमारे जितने कार्यकर्ता नेता उसके साथ आए हैं, और जो फैजाबाद में से नहीं आ पाए उन सबको मैं बधाई देता हूं। इनका परिचय अभी कराएं कि बाद में कराएं? नहीं, मैं ये चाहता हूं, इसके साथ साथ मिर्जापुर के और दो नौजवान हैं जो छात्र संघ पदाधिकारी जीते हैं, फैजाबाद के जब साथी आएंगे उन्हीं के साथ मिर्जापुर के दोनों छात्र संघ के हम पदाधिकारियों का भी परिचय करा देंगे। कुछ साथी आ जाएंगे हमारे साथ जिससे उनका परिचय भी हो जाएगा और तस्वीर भी आप ले लोगे तो उनका भी मनोबल बढ़ जाएगा। मैं इन दोनों छात्रों को बधाई देता हूं, तीनों को, साथ ही साथ जिन कार्यकर्ता, जिन नेताओं और जिन नौजवानों ने
इनको जिताने का काम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं।